मैं हूं आपके साथ आरिफ हयात। बिहार में चुनावी साल है और सभी पार्टियां लगभग चुनाव की तैयारी में लग चुकी हैं। सभी पार्टियों में दल बदल का खेल शुरू हो चुका है। इस वक्त जो हम खबर आपके सामने लेकर आ रहे हैं वह सबसे बड़ी और अहम खबर यह है कि चिरैया विधानसभा से राजद के संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं अच्छे लाल यादव। सूत्रों से जो हमें जो खबर मिली है वो ये है कि अच्छे लाल यादव के नामों पे पार्टी मोहर लगा सकती है। आपको बता दें कि अच्छे लाल यादव पिछले कई महीनों से लगातार लोगों से जनसंपर्क बना रहे हैं और लोगों के बीच कई तरह के राशन से लेकर मास्क तक वितरण कर रहे हैं। आपको बता दें कि चिरैया विधानसभा से राजद के कई ऐसे कद्दावर नेता हैं जो अपनी अपनी उम्मीदवारी की टाल ठोक रहे हैं। आपको बता दें कि चिरैया विधानसभा से चिरैया के पूर्व विधायक और राजद के कद्दावर नेता लक्ष्मी नारायण यादव भी अपनी उम्मीदवारी की चाल ठोक रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी और अहम खबर जो अंदर खाने से जो निकल कर आ रही है वो खबर यही है कि महागठबंधन से चिरैया विधानसभा से अच्छे लाल यादव के नामों पर पार्टी मोहर लगा सकती है। जो हमें जो सबसे विश्वसनीय जो खबर मिली है वह यही है कि अच्छे लाल यादव उम्मीदवार हो सकते हैं। फिलहाल अगर वैसे बात की जाए चिरैया विधानसभा से महागठबंधन के उम्मीदवारों की, तो चिरैया विधानसभा से महागठबंधन के उम्मीदवारों की काफ़ी लंबी सूची है, लेकिन तमाम सूचियों में सबसे आगे चल रहे हैं अच्छे लाल यादव। आपको बता दें कि महागठबंधन के घटक दल रालोसपा से भी मधु सिंह अपनी उम्मीदवारी की टाल ठोक रहे हैं और वो भी लगातार लोगों से जनसंपर्क बना रहे हैं। आपको बता दें कि सभी उम्मीदवारों में सबसे आगे अच्छे लाल प्रसाद यादव आगे चल रहे हैं। फिलहाल हमें जैसे ही नई अपडेट मिलेगी आपके सामने हम लेकर एक बार फिर से रूबरू होंगे।